नील रतन सिंह पटेल वाराणसी से चुनकर विधायक चुनकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर वो विधानमंडल दल की जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए यहां पर आए हैं। सर, क्षेत्र की जनता ने आपको प्यार दिया, क्या कुछ जनता के लिए अपेक्षाएं लेकर आए हैं? 2017 में मुझे शिवापुरी की जनता ने सम्मान दे करके उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था और हमारी ये कोशिश रही कि शिवापुरी विधानसभा में चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में शिवापुरी विधानसभा का हमने सर्वांगीण विकास किया और पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है हमारी शिवापुरी विधानसभा। तो निश्चित तौर पर हमारे दोनों बड़े नेताओं का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है और पुनः उनका आशीर्वाद मिलेगा और शिवापुरी में जो अधूरे कार्य हैं उसको पूर्ण करके क्षेत्र की जनता को, वहाँ के लोगों को मान सम्मान उनका अधिकार उनके। योगी आदित्यनाथ जी के को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, पूरा आप इस बार फिर से बनाया जाएगा? निश्चित तौर पर बनाया जाएगा और पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा। चलिए, आप सुन रहे थे, ये विधायक हैं वाराणसी से। देखिए, साफ तौर पर व्हील चेयर पर चल के आए हैं लेकिन इनका ये कहना है कि गुंडे माफिया के ऊपर बुलडोजर पिछली सरकार की तरह इस बार भी चलता रहेगा और जो वाराणसी के अधूरे रह गए हैं उनको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। तो तस्वीरें बयान कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम विधायक दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और जनता के विकास की बात सभी लेकर यहां पर आए हैं। आने वाले समय में सबसे जो है अभी विधानमंडल दल का मुख्यमंत्री को नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो कल शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरामैन अर्शद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।